मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने का बाद मैंने एक सिल्वर ब्रिक चांदनी का ईट बना के ले गया अयोध्या को वो ईट कलेक्टर को दिया वो बाद में वो शिलान्यास टाइम में वो और चार मांगा वो लोगों ने पांच चीट दिया पंचभूत साक्ष्य में वो वो जी वो चा पान चीट जी ने शिलान्यास में रखा वो इतना करोड़ आदमी से मेरे को मौका मिला इसको उतना इसलिए मैं अभी चरण बना के इकतालीस दिन अयोध्या को परिक्रमा किया बाद में देश में हर मंदिर में बद्रीनाथ से लेकर रामेश्वरम तक बड़ा बड़ा पूरा मंदिर में पूजन करके चार पेटा स्वामी जी लोगों से चार पेटा में पूजन किया ऐसे बड़े संत लोग बड़ा बड़ा स्वामी जी लोगों से पूजन करके मैं अभी राम जी ने अरण्यवास में कैसा नीचे आया रामेश्वरम तक वही रास्ते पे अभी पैदल से जा रहा हूँ अभी तक तीन हज़ार छः सौ किलोमीटर कंप्लीट किया अभी यहाँ यहाँ से जाने के बाद चित्रकूट जाके वहाँ से पैदल से अयोध्या पहुँच जाता हूँ जनवरी पंद्रह तक पहुँच के ये योगी आदित्यनाथ साहब योगी जी को समर्पित करता हूँ ये जो पादुका का है वो कहाँ बनाई है, है वो हैदराबाद में बनाया ये, ये चार आठ किलो का चाँदनी एक एक चार किलो चार किलो का एक किलो सोना है ऊपर वो सोना कवर करके उधर दे देता हूँ आपको से ख्याल है इतनी वो राम जी का कृपा से कर रहा हूँ हनुमान जी का प्रेरणा है मेरे को पूरा इसलिए मैं बहुत प्यार करता हूँ राम जी को मेरा पिता ने दो बार कर से गया मस्जिद तोड़ने का टाइम भी मैं मेरा फादर उधर है उसका मनोकामना पूर्ण करने के लिए ये कर रहा हूँ पूरा ये जो का है वो कीमत की और आप क्या हैं? मैं तो साउंड इंजीनियर है इस फिल्म फील्ड में पचास साल से कर रहा हूँ ये कोर्ट तीर पे आने के बाद पूरा छोड़ के अयोध्या चले गए अभी दस हज़ार लड्डू बना के सब लोगों को भक्तों को बांट रहा हूँ अभी उधर साउथ इंडिया से आने वाले सबको भोजन दे रहा हूँ फ्री में चांदनी का तेरह तेरह लाख बनाया 76, के 76, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ मैं यहाँ पे स्टडी करती हूँ वैसे मैं पालनपुर से हूँ और मैंने यहाँ पे न्यूज पे, में देखा था कि राम भगवान की चरण पादुका आने वाली है तो हम लोगों ने कॉलेज में डिसाइड किया कि यहाँ पे दर्शन करने आना है और मुझे यहाँ पे आके बहुत शांति मिली और मन प्रसन्न हो गया